गुटखा का ऐड करने के मामले में सेंटर गवर्नमेंट ने शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन को करारा झटका दे दिया है। सरकार ने तीनों एक्टर को नोटिस भेजा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में भारत सरकार के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि गुटखा कंपनियों का प्रचार करने के मामले में अक्षय कुमार, शाहरुख खान, अजय देवगन को नोटिस जारी किया जा चुका है। इस मामले पर एक याचिका दायर की जा चुकी थी जिसमें कहा गया था कि भारत सरकार ने जिन एक्टर्स को पद्म जैसे बड़े सम्मान से सम्मानित किया है वो गुटखे का प्रचार कर रहे हैं, इसलिए ये पुरस्कार इनसे वापस ले लिया जाना चाहिए। याचिका में कहा गया कि ऐसे प्रोडक्ट बड़े पैमाने पर जनता के लिए हानिकारक है और कोई पुरस्कार विजेता उचित आचरण नहीं करता है और हानिकारक प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देता है, तो उसका पुरस्कार रद्द करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाने चाहिए। अब तीनों एक्टर को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस भेजा जा चुका है। अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन तीनों ने विमल का ऐड किया था, जिस वजह से सबसे ज्यादा ट्रोलिंग का सामना अक्षय कुमार को करना पड़ा, जिसके बाद अक्षय कुमार ने अपना कॉन्ट्रैक्ट कंपनी से तोड़ लिया। लेकिन क्योंकि ऐड बन चुके थे और ये कॉन्ट्रैक्ट के तहत दिखाए जाने थे, इसलिए अक्षय कुमार चाहकर भी इन एड्स को नहीं रुकवा सके। हालांकि इसके बाद भी शाहरुख खान और अजय देवगन ने अपना कॉन्ट्रैक्ट अभी तक कंपनी से नहीं तोड़ा है, वो आगे भी एड में नजर आ सकते हैं। लोगों के तमाम विरोध के बाद भी ये दोनों एक्टर्स कंपनी के साथ बने हुए हैं। इससे पहले अमिताभ बच्चन ने कमला पसंद का ऐड किया था और ट्रोलिंग के बाद उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ लिया, जिसके बाद अमिताभ ने ये ऐड न दिखाए जाने के लिए कंपनी के ऊपर केस भी ठोका था, लेकिन बावजूद इसके कंपनी ये ऐड दिखाती रही। लेकिन अब इस नोटिस का शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन क्या जवाब देते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। वेल, आप क्या कहेंगे इस पर, अपनी राय हमें कमेंट्स में दीजिए। और भी ज्यादा ऐसी अपडेट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए।